सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर एक है हमारा, जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। अब ये जो चैप्टर है बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में यानी कि एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुछ भी बातें इसमें छूटने वाली है। हर एक बात जो कवर करना चाहिए, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, हर एक बात कवर होने वाली है। और ढेर सारे हम क्वेश्चन भी यहाँ पर जो जरूरी क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर चैप्टर के नाम पे गौर करें ना, तो चैप्टर का नाम क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। दो बातें यहाँ पर आ रही है जिसको तुमको यहाँ पर समझ लेना है। पहला आ रहा है हमारे आसपास, आसपास का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग, और दूसरा आ रहा है पदार्थ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, किसको बोलेंगे। एक बार तो रूपरेखा देख ले। तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारा पेन हो गया, तुम्हारा नोटबुक हो गया, तुम्हारा बुक हो गया, तुम जिस मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल फोन हो गया, तुम्हारे क्लोथ्स हो गए, तुम्हारा बाइसिकल हो गया, सारे के सारे पदार्थ है या पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। बट क्या अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है, तो यही डिफिनेशन लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये डिफिनेशन नहीं लिखना, ये उदाहरण हो गया पदार्थ का। फिर लिखेंगे क्या? अब पदार्थ को डिफिनेशन, पदार्थ के डिफिनेशन पे चलने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण है, आओ हम इसके बारे में बात करते हैं और इसको देखो और बताओ ये है क्या। अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो इजिली बता सकते हो कि यह एक बुक है। बट हमने क्या कहा, हमने कहा कि तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका सब पदार्थ है, तो बुक भी तो पदार्थ है। अब बुक अगर पदार्थ है तो गौर से देखना, बुक को रखने के लिए जगह की आवश्यकता है, और कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, या पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ जगह घेरता है। दूसरी बात, इस बुक में कुछ ना कुछ भार है, मतलब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मतलब अगर कोई वस्तु पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा, या पदार्थों में द्रव्यमान होता है। तीसरी बात, चूंकि इसमें भार है इसलिए इसको अगर उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो हमको अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब ये जो किताब है, बुक है, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो पदार्थ, जो पदार्थ की परिभाषा के बारे में बात करें, तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा बनती है यहाँ पर कि ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो या भार हो, या जो अवरोध उत्पन्न कर सके, पदार्थ कहलाता है। एक कुछ उदाहरण है हमारे पास, ये डिफिनेशन आ गया तुम्हारा। कुछ उदाहरण है जैसे कि यहाँ पर बता दो, ये जो है तुम्हारे पास सोफा है, कार हो सकता है, बुक हो सकता है, और मोबाइल फोन हो सकता है। इन चारों उदाहरण में बात करें, क्या ये चारों स्थान घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? अगर कहीं रखने के लिए जाएंगे सोफा को, कार को, तो स्थान तो लगेगा ना, तो मतलब इसमें आयतन होता है। क्या इसमें भार होता है कि नहीं? बिल्कुल भार होता है। क्या ये अवरोध उत्पन्न करता है कि नहीं? बिल्कुल अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये चारों के चारों क्या है, पदार्थ के उदाहरण। बातें क्लियर है, समझ में आगे आगे बढ़े। चलो जी।